वेदव्यास जी तब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करते हैं और उन्होंने सर्वप्रथम यह कथा अपने पुत्र सुखदेव जी को श्रवण कराई। अब सुखदेव जी ने के पुत्र कैसे हुए? सुखदेव जी श्रीमद् भागवत महापुराण के मुख्य प्रवक्ता हैं। उनका नाम जो है मुख्य रूप से लिया जाता है जिन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। तो जब तक वक्ता का जन्म नहीं होगा तो श्रोता का जन्म कैसे हो जाए? सोनक जी कहते हैं आप हमें महाराज परीक्षित जी के जन्म कर्म और उनके मोक्ष की कथा कहिए, उनकी कथा हमें विस्तार से सुनाइए। तो सूत जी ने कहा पहले मैं वक्ता का जन्म तो बता दूं तब ना श्रोता का जन्म बताऊंगा। तो वक्ता का जन्म कैसे हुआ? ऐसे पुराणों में कथा आती है कि एक बार भगवान शंकर और देवी पार्वती जी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। दोनों के बीच में बड़ा प्रेम स्नेह सुंदर कथाएं हमेशा चलती रहती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी वक्ता बनकर के सुनाते रहते हैं और देवी पार्वती जी बड़ी श्रद्धा के साथ है उसे श्रवण करती रहती है। तो एक दिन भगवान शंकर कुछ अपने कार्य में लगे थे, देवी पार्वती जी अकेले बैठी हुई थी, तभी देव ऋषि नारद जी वहां पर पहुंच गए और नारद जी माता जी को प्रणाम करते हैं, कुशल क्षेम होती है इत्यादि आपस में वार्तालाप हुआ। देवी पार्वती जी ने कहा नारद जी कैसे आए, कहां से आए? सारा हालचाल होने के बाद देवऋषि नारद जी ने कहा देवी पहले मुझे तो आप ये बताइए कि भगवान शंकर आपको हर चीज बताते हैं, आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। पार्वती मैया ने कहा कोई कहने की बात थोड़ा ना है, अरे वो हमारे पति हैं, अब पति पत्नी से प्रेम नहीं करेगा तो किससे करेगा? पति पत्नी को कोई हर चीज नहीं बताएगा तो किससे बताएगा? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों के बीच में कोई छिपा थोड़ा ना रहता है। महादेव जी तो हमें छोटी से छोटी बात बताते हैं, बड़ा हमें स्नेह करते हैं और हम दोनों के बीच में तो हमेशा प्रसन्नता ही रहती है, कभी हमारे बीच में कभी लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं। नारद जी ने कहा तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो आप देखिए घर घर में पति पत्नी के बीच में 36 का आंकड़ा चलता है। भगवान की कृपा से कुछ ही ऐसे घर होंगे जहां की बड़े प्रेम से दिन बीत रहे होंगे। पत्नी पूरब तो पति पश्चिम। महादेव जी ने कहा अच्छा, महादेव जी देख लिए कि नारद जी आ गए हैं, कुछ ना कुछ नाटक जरूर करेंगे। नारद जी ने कहा तो अच्छा मुझे ये बताइए माता जी, जब महादेव जी आपको हर चीज बताते हैं, एक एक बात बताते हैं, तो महादेव जी ने आपको ये जरूर बताया होगा कि महादेव के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है एक इनके सिर है, इनके बारे में जरूर उन्होंने बताया होगा। देवी पार्वती जी ने कहा नहीं नारद, ये तो उन्होंने नहीं बताया है, एक किनके सिर है, बात तो सही है। तो नारद जी ने कहा तो अब आप कहती हैं हर बात बताते हैं, तो क्या उन्होंने आज तक नहीं बताया कि ये जो गले में मुंडों की माला पहने हैं महादेव जी तो किनके सिर हैं, इसके बारे में कभी नहीं बताया? नहीं बताया। तो अब जान लीजिए, समझ लीजिए थोड़ा, महादेव जी आपसे ज्यादा उनसे प्रेम करते हैं जो शरीर को त्याग करके चले गए, तो उनके सिरों को अपने गले में लटका लिया है माला के रूप में। आपसे प्रेम ज्यादा नहीं करते, उनसे प्रेम करते हैं जिनके सिर गले में लटक रहे। पार्वती जी के मन में बात बैठ गई कि महादेव जी सच में हमसे ज्यादा प्रेम नहीं करते हैं, अगर करते होते तो ये एक खोपड़ी क्यों लटका करके रहते, पता नहीं किनकी खोपड़ियां हैं। अब जैसे महादेव जी आए, देवी पार्वती जी ने पूछा स्वामी आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं? बिल्कुल, हर बात बताते हैं। हाँ,
तो फिर एक बात आपने हमसे क्यों छुपा ली है? कौन सी बात? मैंने तो कुछ नहीं छिपाया, सब बताया। आपने सब तो बताया है, लेकिन आप हमसे ज्यादा प्रेम नहीं करते हो, हमको पता चल गया है। हमसे ज्यादा प्रेम आप उनसे करते हो जिनकी खोपड़ी का माला सिर में गले में लटकाए घूम रहे, उनसे ज्यादा आप प्रेम करते, हमसे नहीं करते। महादेव जी भी समझ गए कि नारद जी आए थे, आग लगा कर चले गए। अब हम बुझाते रहे उसको। आप पहले मुझे बताइए कि जो आपके गले में ये इतने सारे सिर हैं, किनके हैं? कौन इतने प्रिय भक्त आपके हैं? आप मुझे इनके बारे में जरूर बताइए। भगवान शंकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवी ये किसी के सिर नहीं है, ये सब तुम्हारे ही सिर हैं जो मेरे गले में लटक रहे हैं। तुम्हारे सिर हैं, मेरे सिर कैसे हो सकते? महादेव ने कहा, जितनी बार तुमने अपने शरीर का परित्याग किया है, उतनी बार मैंने तुम्हारे इस सिर को अपने इस माला में पिरो करके अपने गले में लटकाया है। सारे सिर तुम्हारे हैं, किसी और के नहीं है, मैं सत्य कहता हूँ। तब देवी पार्वती जी कहती हैं, हमें संदेह हो रहा है स्वामी, हमारी मृत्यु इतनी बार हुई और आपकी मृत्यु एक बार भी नहीं हुई। तो आप एक बार भी नहीं संसार छोड़े और हमने इतने बार छोड़ा है, ऐसा क्यों? क्या कारण है? आप मुझे बताइए। भगवान शंकर ने कहा, मैंने अमर कथा का पान किया है, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं हुई है, और तुमने अमर कथा का पान नहीं किया, इसलिए तुम्हारी मृत्यु हुई है।